Hello everyone, welcome to Credit Report. Friends, today I will discuss Security Market Part C. इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस SSC का है, जो लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए SSC बैंक PO सारे एग्जाम्स में, उस क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आएंगे भी यहाँ से, और कई सारे एग्जाम में जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आया. तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि इस चैनल के बारे में क्या क्या है. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये जो है सो चैनल है करियर प्लेटफॉर्म नाम से यूट्यूब चैनल, और इसी नेम से जो है सो आपका फेसबुक पेज भी है. तो सबसे पहले अगर करियर प्लेटफॉर्म चैनल को आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब कर करके और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको हमारे तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए इस वीडियो का. ठीक है, और ये फेसबुक पेज है, इस पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर, साथ साथ उसके MCQ, सारे जॉब नोटिफिकेशन, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, और इस पेज को आप क्या करें, लाइक करें. उसके बाद जो है हमारा फेसबुक का जो ग्रुप है करियर प्लेटफॉर्म ग्रुप नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि यहां से भी आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स मिल सकता है आपको. तो चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इस वीडियो पे, क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है इससे पहले 15 क्वेश्चन यानी पार्ट ए पार्ट बी जो है हमने डिस्कस कर चुका है. ये पार्ट सी है जो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बुल बियर आर रिलेटेड टू विच कमर्शियल एक्टिविटी. देखिए बुल एंड बियर एंड स्टैग ये सब जो है ना शेयर मार्केट में यूज होता है. तो बुल एंड बियर क्या है, बुल मीन्स क्या होता है हिंदी में अगर हम इसको बात करते हैं तो बुल मीन्स होता है हिंदी में सांड, और बियर मीन्स होता है भालू. तो देखिए जब सांड चलता है ना तो उसका सर हमेशा ऊपर उठा हुआ आता है, और जब ये भालू अगर चलता है कहीं भी आप देखे होंगे तो आप भालू का सर हमेशा नीचे झुका रहता है. मीन्स सर जब अगर ऊपर की तरफ हो, अगर सर ऊपर की तरफ हो इसका, और या सर नीचे की तरफ हो, तो इसका मीनिंग ये होता है कि सर अगर ऊपर उठा हुआ है इसका मतलब मार्केट इज गोइंग अप, वेयर एज बियर रिप्रेजेंट दैट मार्केट इज गोइंग डाउन. मतलब अगर बुल मार्केट है तो आप सोच बोल सकते हैं कि मार्केट अप हो चुका है, अगर बियर मार्केट है तो समझ लीजिए मार्केट आपका क्या हुआ है, डाउन हो चुका है. ठीक है, तो अगर एक इन्वेस्टर, ठीक है, अगर पैसा इन्वेस्ट करता है, करना चाहता है, तो वह कहाँ से इन्वेस्ट करेगा, बियर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि शेयर मार्केट के शेयर वैल्यू उसकी घट चुकी है, वहां से शेयर खरीदे और बुलिश मार्केट में जाकर बेच दे. मींस बुल मींस मार्केट इज गोइंग अप. तो दोनों जो है ना बुल एंड बियर जो है ना एक सिंबल है जो कि शेयर मार्केट में यूज होता है. ठीक है, बुल रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट इज गोइंग अप को, और बियर रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट इज गोइंग डाउन को. उसी तरह एक स्टैग होता है, STAG, स्टैग मीन्स होता है बारह सिंघा, वो भी यूज होता है. ठीक है, तो यही सब पूछ रहा है क्वेश्चन कि बुल बियर रिप्रेजेंट दैट रिप्रेजेंट टू विच कमर्शियल एक्टिविटी, तो आप बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट. ठीक है, यहाँ पर लिख भी दिया है कि बुल एंड बियर रिपोर्ट आर द रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट. बुल मार्केट मीन्स प्राइस ऑफ एक्सपेक्टेड टू राइज, एंड बियर में आपका घटता है. नेक्स्ट कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट IPO स्टैंड फॉर. देखिए जब कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में पहली बार आकर के अगर शेयर लॉन्च करता है तो इन द फॉर्म ऑफ IPO. ठीक है, फिर उस IPO का ग्रेडिंग होता है, और IPO का अगर ग्रेडिंग अगर अच्छा रहा तो वो सेकेंडरी मार्केट में रजिस्टर हो जाता है, मीन्स शेयर मार्केट में, यानी कैपिटल मार्केट, मीन्स आप इसको स्टॉक एक्सचेंज बोल सकते हैं, उसमें रजिस्टर हो जाएगा. ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि IPO जो लॉन्च करता है कंपनी, तो ये IPO का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे. तो देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, तो ये आपको टिक करना चाहिए, जबकि यहाँ इससे मिलता जुलता ये करीबी है, ऑप्शन आपका सी है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर भी आता है ऑप्शन में, या कभी आपको ऑफरिंग भी आ सकता है. तो IPO ये मीन, ठीक है, तो ये जो है सो कंपनी इज ऑफर टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर कभी भी कंपनी अगर कोई भी कंपनी अगर शेयर लॉन्च करता है फर्स्ट टाइम, तो इन द फॉर्म ऑफ IPO. तो पूछ सकता है कि आपको वर्ल्ड में सबसे पहली बार IPO किसने लॉन्च किया. देखिए 1602 मतलब 1602 ईस्वी में इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार IPO लॉन्च किया था. ठीक है, वर्ल्ड में पहली बार. ठीक है, तो इसको आपको काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो शेयर मार्केट में यूज होता है. उसके बाद कहता है कि अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड. देखिए शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट पेपर सिक्योरिटी किसको हम बोलते हैं. देखिए जो लॉन्ग टर्म होता है, देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में डिफरेंस है. मनी मार्केट जो होता है लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज इन कैपिटल मार्केट लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम.
तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसका मतलब पक्का है वो मनी मार्केट हो गया, अगर यही लॉन्ग टर्म होता है तो कैपिटल मार्केट होता। तो यहाँ कह रहा है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर का मतलब ये होता है इट इज रिलेटेड टू मनी मार्केट। तो देखिए शेयर मार्केट, अगर कैपिटल मार्केट में हम क्या पढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट में शेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होता है, बॉन्ड्स होता है, डिवेंचर्स होता है। लेकिन अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट में कॉल बोरोइंग, कॉल मनी, नोटिस मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, टी बिल, ये सब किस में है, मनी मार्केट के अंदर आता है, उनका इंस्ट्रूमेंट्स है। ये क्या है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट का, ठीक है। तो वो इसमें हम लोग हैं जो अगर मनी बात करके बात करें, ठीक है, तो आप जो है ट्रेजरी बिल, देखिए टी बिल क्या होता है, देखिए टी ट्रेजरी बिल आर द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है ना तो टी बिल इशू करता है, तो सरकार खुद नहीं करता, वो आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और इट कैन बी इशूड बाय 91 डेज का टी बिल होता है, और इसका डबल करेंगे तो आपको 382 डेज का टी बिल होगा, फिर इसका डबल करेंगे तो 364 डेज होता है। और आपको जानते ही है शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन वन ईयर, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मीन्स क्या हो गया, ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, ठीक है। इसके और कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कमर्शियल पेपर है, ठीक है, उसी तरह से कमर्शियल बिल है, उसी तरह से आपके कॉल बोरिंग, कॉल मनी, नोटिस मनी, ठीक है, ये सारे जो है ना आपके इंस्ट्रूमेंट है ये आपका मनी मार्केट का। नेक्स्ट देखिए, स्पेकुलर हु सेल स्टॉक्स इन ऑर्डर टू बाय बैक व्हेन प्राइस फॉल फॉर गेन इज अप। देखिए क्या होता है, कहता है कि जब किसी वस्तु की प्राइस घटती है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा परचेज करने का कोशिश करते हैं। तो वही बात है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा मार्केट है कि आने अगर उसकी प्राइस अगर गिर जाती है तो हम ज्यादा से ज्यादा परचेज करते हैं, ठीक है। तो यही देखिए आपका बियर मीन्स क्या होता है, भालू, तो बियर मीन्स भालू होता है, तो इसका मतलब मार्केट इज गोइंग डाउन। तो अगर मार्केट आपका गिर चुका है तो एक इन्वेस्टर के लिए गुड कंडीशन है, बहुत अच्छा कंडीशन है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या करे, इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हु एक्सपेक्ट टू फॉल इन प्राइस ऑफ स्टॉक इन फ्यूचर एंड सेल देम सो दैट कैन बाय देम एट द चीपर प्राइस, ठीक है। बियर मार्केट मतलब आने वाला समय में प्राइस आपका सस्ता होगा, आप एक इन्वेस्टर अगर पैसा चाहे उनके पास तो इन्वेस्ट कर सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये भी आपको देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। देखिए ये 2014 का सीजीएल का क्वेश्चन है, सीएसएसएल जो एसएससी में है उसमें पूछा गया। तो देखिए इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन इज एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ मेड इन इंडिया लेवल इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। यानी इंटरनेशनल मार्केट मीन्स आप नाम सुना है मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया का नाम सुना होगा, यानी इंटरनेशनल मार्केट को एक ब्रांड क्रिएट करना, ठीक है, मीन्स क्या हुआ, टू मेक मेड इन इंडिया ए लेवल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर पेपर में आ रहा है क्वेश्चन लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है। देखिए दो फ्रेंड्स दो चीज होती है, एक होता है लिक्विड और एक होता है लिक्विडिटी। तो लिक्विड मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई भी कमोडिटी कोई भी वस्तु उसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं, अगर उसी को हम अगर बेच करके अगर पैसा बना लिए मीन्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मीन्स कैश, ठीक है। तो दो चार वर्ड हो गया, लिक्विड मीन्स होता है कमोडिटी और लिक्विडिटी मीन्स हो गया उसको बेच करके हम पैसा बनाए मीन्स करेंसी नोट जो होता है ना वो जो कैश होता है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। तो यहां देखिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस मींस होल्डिंग एसेट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एंड शेयर, ये नहीं हो सकता क्योंकि आपको हमने बताया था कैश के फॉर्म में होता है लिक्विडिटी, ठीक है। होल्डिंग एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश तो आपका ऑप्शन बी बन सकता है। क्रिएशन इमोबल प्रॉपर्टी या एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, हम आपको बताए हैं कि लिक्विड मीन्स होता है कमोडिटी एंड लिक्विडिटी मीन्स होता है कैश। यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी यहाँ पर प्रेफरेंस मीन्स डिमांड फॉर मनी बिकॉज ऑफ देम प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर टू होल्ड लिक्विड एसेट इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म या एज लिक्विड एसेट्स इन या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बीएससी सेंसेक्स कॉन्स्टिट्यूट नंबर ऑफ कंपनी।
देखिए बीएससी सेंस यहाँ पे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसी स्टॉक एक्सचेंज को हम दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं। तो बीएससी को क्या जानते हैं, ये इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज और सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, यानी लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द इंडिया, लेकिन इन इंडिया बात करते हैं। तो इनका जो इंडेक्स यूज होता है ना, दलाल स्ट्रीट मीन्स बीएससी का, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, सेंसेक्स। तो वही लिखा है यहाँ पे, बीएससी सेंसेक्स इज ए बेसिकली अ वर्क मार्केट वेयर सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन मार्केट वेटेड स्टॉक इंडेक्स ऑफ 30 ब्लू चिप कंपनी। देखिए यहाँ पे बात आई है कि ब्लू चिप कंपनी क्या होता है, यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लू चिप कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जो शेयर मार्केट में टॉप से 30 कंपनी जो लिस्टेड है उस कंपनी को ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं। 30 टॉप कंपनी व्हिच आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज कॉल्ड ब्लू चिप कंपनी विथ स्टेबल ग्रोथ हैव अ 500 करोड़ वर्किंग कैपिटल। कंपनी का कम से कम 500 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए और उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, और साथ साथ उसके स्टेबल जो है, ठीक है, ग्रोथ जो है से एक मतलब फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी ग्रोथ जो है ना स्टेबल होना चाहिए, यानी कंपनी व्हिच है फाइनेंशियली साउंड एंड गुड परफॉर्मर, ठीक है। तो वही कहता है कि 30 यानी सेंसेक्स जो होता है कि ब्लू यानी 30 टॉप कंपनी का जो लिस्ट है यानी टॉप लेवल पे उनके अकॉर्डिंग सेंसेक्स डिसाइड होता है। तो मिनिमम 30 कंपनी व्हिच आर लिस्टेड इन सेंसेक्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यानी मिनिमम 30 कंपनी के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सेंसेक्स की वैल्यू डिसाइड होती है, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन बन सकता, ए बन सकता। नेक्स्ट देखिए अंडररैटिंग रेफर्स टू, देखिए अंडररैटिंग क्या होता है, देखिए अंडररैटिंग फ्रेंड्स का मीनिंग है, ठीक है, असेसमेंट ऑफ रिस्क, असेसमेंट ऑफ रिस्क यानी किसी भी चीज, अगर कोई भी कंपनी अगर इंश्योरेंस करवा अगर आप करवाते हैं किसी भी कंपनी से तो कंपनी ऐसे ही इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर देता, कंपनी देखता है उस पर रिस्क कितना है, कितना रिस्क फैक्टर है, कितने का हम इंश्योरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करता है, वो रिस्क को क्या करता है, असेसमेंट करता है। तो जो रिस्क को असेसमेंट किया उसी को बोलते हैं अंडररैटिंग, मींस असेसमेंट ऑफ रिस्क इज कॉल्ड अंडररैटिंग। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अंडररैटिंग इज अ प्रोसेस इंश्योरिंग एनी यूनिट इन लीव ऑफ फ्यूचर्स रिसीवेबल, यानी सो अंडररैटिंग रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ इंश्योरिंग रिस्क, मीन्स ठीक है, कितना किसी कोई कंपनी अगर किसी को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है तो उस पर कितना परसेंट रिस्क है, कितना को इंश्योरेंस दे सकता है, उसका असेसमेंट करना ही क्या है, अंडररैटिंग है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा आप उस पर कमेंट करें, आप कमेंट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और हम इससे नेक्स्ट वीडियो पार्ट सी है ये पार्ट 4 लेकर आएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज करियर प्लेटफॉर्म को जरूर लाइक करें ताकि आपको वहां से करंट अफेयर भी अपडेट हो जाए और यहां से हम प्रीवियस ईयर करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम हम लोग मिलकर काम करेंगे। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म, नमस्कार।